नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लहसुन भाव। आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों देख लेते हैं पूरी विश्लेषण रिपोर्ट। पिछले साल और इस साल की पूरी विश्लेषण रिपोर्ट लहसुन के ऊपर, पिछले साल किस समय लहसुन के भाव में तेजी आई थी और कितनी आई थी, और इस वर्ष अभी क्या स्थिति है। अगस्त का महीना चल रहा है और आने वाला जो समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, क्या लहसुन में आगे स्थिति बनी रहेगी और क्या लहसुन के भाव घट जाएंगी या बढ़ेंगी। तो पूरी एक रिपोर्ट विश्लेषण आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा पूरा देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं तो किसान भाइयों, पिछले साल लहसुन के जो भाव थे वो काफ़ी लंबे समय के अरसे के बाद देखने को मिले थे, और पिछले साल लहसुन के भाव बहुत ही अच्छे मिले थे। काफ़ी अच्छी तेज़ी लहसुन में देखने को मिली थी और लगभग 20,000 तक लहसुन बिका था, और बेस्ट क्वालिटी का था, रियावन क्वालिटी का, जो कि जावरा मंडी और मंसूर मंडी में इससे भी ऊपर बिका था। और कुछ कुछ ढेर जो हैं, एक दो ढेर बहुत ही अच्छे बिके थे, काफ़ी ऊंचा भी माल लहसुन बिका था जो रियावन क्वालिटी का था। और पिछले साल काफ़ी भयंकर बरसात भी हुई थी, जिसके कारण किसान लहसुन की बुवाई समय पर नहीं कर पाए थे, और जिससे कि ऊँटी लहसुन और जो देसी लहसुन भी अगर किसी ने बोया है, तो जो ऊँटी लहसुन है वो उसकी बुवाई अगस्त और सितंबर में किसान भाई कर देते हैं, तो वह काफ़ी देरी से आया था। लगभग उसमें महीने या 1.5 महीने की देरी हो चुकी थी। और जो इस वर्ष भी हैं, जो किसान भाइयों पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल्दी भाव में तेज़ी आने लग गई थी। पिछले साल अगस्त महीने के आसपास अच्छी खासी तेज़ी आई थी, और इस साल भी अगस्त में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इससे भी पहले जो 3 महीने निकले हैं उनमें भी बहुत ही बढ़िया लहसुन का भाव तेज़ गति से मिला है किसान भाइयों। इसके साथ ही जो दूसरी बात है कि इस वर्ष लॉकडाउन था और काफ़ी समय तक मंडियां भी बंद रही। अगर इतने समय तक मंडियां बंद नहीं रहती तो कितना माल अभी तक निकल जाता किसान भाइयों, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि भाई कितना माल मार्केट में पहले से ही चला जाता। लेकिन लॉकडाउन से भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो चीन है, उससे पहले चोरी छिपे पिछले साल बहुत सारा माल अपने भारत में पहुंचा था, और मैनपुरी के जो व्यापारी बंधु हैं उन्होंने भी इसका काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि जो मैनपुरी में उन किसानों द्वारा जो लहसुन खरीदा गया था, तो उनके जो लहसुन के दाम उनको सही नहीं मिल रहे थे। उसकी मेन वजह थी कि चीन का जो लहसुन सस्ती दर पर भारत में पहुंच रहा था, और चोरी छिपे काफ़ी मात्रा में लहसुन पहुंच गया था, जिसके कारण लहसुन के किसानों को दाम में नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वर्ष किसान भाइयों भारत और चीन के बीच टकराव है, तनाव है, जिसके कारण बॉर्डर पर लहसुन भी नहीं पहुंच रहे हैं, और चीन का लहसुन भारत में अब पहुँचने की संभावनाएँ किसी प्रकार की नहीं बनती हैं। तो दूसरी बात है कि जो अगस्त का महीना है और लहसुन अभी शुरू शुरू में जो गीला लहसुन था, जितना भी क्वालिटी है या ऊँटी लहसुन जितना भी था, तो किसान साम भाइयों को उस समय फर्स्ट में भी बहुत ही अच्छा गीले लहसुन का भाव मिला है, तो उस समय भी उन्होंने बहुत सारा लहसुन निकाल दिया है। जितना लहसुन निकाल सकते थे उस समय निकल चुका है। और उसके बाद लहसुन की जो देसी लहसुन और अन्य क्वालिटी की जो लहसुन है उनका G2 और ऊँटी लहसुन की जो बुआई बाद में हुई थी, जो लेट वाला माल था वो किसान भाइयों ने रोक के रखा था, और अभी तक वो मंडियों में लेकर के पहुंच रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है किसान भाइयों की, अब आवक भी कम हो रही है, और दूसरी बात कुछ स्टॉकिट हैं जो माल का स्टॉक कर रहे हैं, गुजरात से भी हैं और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी हैं, तो वह जो माल स्टॉक कर रहे हैं उसके कारण अभी भाव में अच्छी खासी तेज़ी दिखने लगी है। उसके साथ ही
सेंटरों भी इसकी अच्छी डिमांड है और लहसुन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है। तीसरी बात है कि जो यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट जो पेस्ट की हैं वो भी लगभग चालू हो चुकी हैं, जिसके कारण उसमें भी काफ़ी मात्रा में पेस्ट बनने के लिए लहसुन पहुंच रहा है। और जो इंडियन लहसुन का जो पेस्ट है वो विदेशों में काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है, जिसके कारण इंडियन लहसुन जो पेस्ट है वो विदेशों में डिमांड होने के कारण अच्छी खासी रेट पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दूसरी बात, अपने इंडियन का जो लहसुन है वो अभी एक्सपोर्ट चालू नहीं हुआ, बीच में कुछ एक दिनों के लिए बांग्लादेश ज़रूर हमारा लहसुन गया था। इसके बाद अभी जो विश्व भर में हैं तो लहसुन के लगभग सभी देशों में भाव में भी इस वर्ष काफ़ी अच्छी, हर कंट्रीज जितने भी देश हैं उन सभी में बहुत ही अच्छे लहसुन के भाव हैं, और चीन में भी अभी अच्छी खासी लहसुन की तेज़ी हैं, और अमेरिका और चीन के बीच विवाद हैं, फिर भी चीन का लहसुन अमेरिका में जा ही रहा है और वहाँ पर खपत हो ही रही। इसके अलावा मिस्र हैं, इंडोनेशिया हैं और अन्य जो जितनी भी कंट्रियाँ हैं, ब्रिटेन हैं और इंग्लैंड है, सभी देशों में लगभग जो लहसुन की मांग अच्छी खासी कोरोना वायरस से भी बढ़ी है, क्योंकि इसमें कुछ तथ्य भी हैं जिसके कारण कोरोना वायरस प्रभावित होता है, और जिसके कारण कोरोना वायरस से लहसुन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लहसुन ज़्यादा सेवन करने से कोरोना वायरस नहीं होता है, ऐसा भी काफ़ी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं जो आयुर्वेदिक वाले हैं, इन्हों का कहना है। और दूसरी बात, जो लहसुन भारत में उत्पादन पिछले साल से इस वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोड़ा कम है, पिछले वर्ष काफ़ी लहसुन का उत्पादन अच्छा हुआ था, जो बात वाली थी लहसुन उसमें काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ था। इस वर्ष उत्पादन कम है और क्षेत्र भी कम था कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, और जो भारत का लहसुन है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिसके कारण स्टॉकिट माल को स्टॉक कर रहे हैं। और किसान भाइयों, जो लहसुन के भाव हैं तो इस साल अभी अगस्त महीने में बढ़ चुके हैं, पिछले साल भी अगस्त महीने में बढ़े थे, और अब आने वाले जो दिनों में हैं वो लगभग गतिमान रहेगा लहसुन का भाव, और अब कितना गतिमान रहेगा ये तो स्टॉकिट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगस्त का महीना है, फिर सितंबर का महीना है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, अभी काफ़ी लंबा समय पड़ा है, लेकिन किस समय कौन सी मंडी में लॉकडाउन लग जाए इसकी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि किस क्षेत्र में कोरोना वायरस के कितने पेशेंट आ जाते हैं और उस क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या उस क्षेत्र की मंडियां बंद कर दी जाती हैं। अभी भी लगभग 1 से 1.5 लाख बोरी प्रतिदिन की जो खपत है वो उसके अनुरूप ही लहसुन मंडियों में पहुंच रहे हैं या उससे थोड़ा कम पहुंच रहे हैं तो जिसकी वजह से भाव में आपको लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी, और अभी इस प्रकार से आपको तेज़ी आगे भी देखने को मिलती रहेगी किसान भाइयों, और लहसुन के जो भाव हैं वो आपको बढ़ते क्रम में ही दिखेंगे। कभी बीच में ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए स्टॉप हो जाए, स्टॉप होने का मतलब जिस स्थिति में भाव चल रहे हैं रेगुलर उसी स्थिति में रुक करके थोड़े से 200, 500 या 700 रुपये नीचे जा करके 1000 रुपये तक डाउन हो करके, और जितना डाउन हुआ 1000 रुपये वहीं पर रुक करके के उसी समान पोजीशन में लगभग 10 या 15 दिन चल सकता है, लेकिन फिर से अगर एकदम से फिर वापस उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है तो सितंबर का महीना भी पूरा उतार चढ़ाव में दिखेगा आपको, और अक्टूबर में भी लहसुन में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि जो सोलन शिमला का लहसुन है उसकी भी काफ़ी भारत में, दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छी मांग है, और वो लहसुन अभी भी
13 से 14 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो कुछ सोलन के हमारे मित्र हैं, उनका कहना भी है कि क्या सोलन का लहसुन 20 हज़ार तक जाएगा। तो मेरा तो अनुमान है कि एक बार तो ज़रूर सोलन का लहसुन 20 हज़ार तक जाने की संभावनाएं लग रही हैं। फिर क्या स्थिति ये कुछ दूसरी हैं किसान भाइयों, तो हम जितना पूरी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। हम पूरा विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो विश्लेषण है वो कहीं रुक इसलिए जाता है कि क्या होता है कि कोरोना वायरस के पेशेंट अगर किसी क्षेत्र में, मान लो कि मंदसौर और नीमच क्षेत्र में कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, तो मंदसौर मंडी और नीमच मंडी में लॉकडाउन लागू हो जाता है और 8 और 10 दिन के लिए मंडी अगर फिर से बंद हो जाती हैं, तो फिर उसमें स्थिति कोर्च और बनती हैं और माल की जो संभावना है वो आगे जाने की कम स्थिति होती हैं। तो फिर जो व्यापारियों के पास स्टॉक माल होता है उसी को, उस माल को ही व्यापारी आगे से आगे निकालते जाते हैं, जिसके कारण व्यापारियों को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है और उसमें लहसुन के भाव भी फिर से अगर मंडियां खुलती हैं तो उसमें तेज़ी इसीलिए दिखाई देती हैं, क्योंकि जो मंडी अगर 10 या 15 दिन बंद रह जाती हैं तो माल की जो आगे हैं सेंटरों पे माल समाप्त हो जाता है और फिर उनको डिमांड होती है। डिमांड होने होते से ही वापस उनका लहसुन में एक गतिमान स्थिति आ जाती है। तीसरी बात है कि जो राजस्थान की विभिन्न मंडियाँ हैं, निम्बाड़ा है, प्रतापगढ़ है, छोटी सालड़ी हैं, बारा हैं, झालावाड़ हैं, कोटा हैं और अन्य जो छिपा बड़ौद हैं, इन सभी मंडियों में भी लहसुन की अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है। और जो शनिवार को था वो भी इंदौर मंडी में लहसुन में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली है, मध्य प्रदेश की जो इंदौर मंडी है। और अभी जो लहसुन का जो ऊँटी बिचवारा आ रहा है, तो काफ़ी तमिलनाडु से ऊँटी बिजवारा आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में किसान भाई इसका अभी बहुत ही तेज़ी है। ऊँटी लहसुन में बहुत ही हाईएस्ट भाव हैं, फिर भी जो किसान भाई हैं उसको गीला लहसुन जो ऊँटी का आता है उसको खरीद करके इस भाव में भी बुहाई करने के लिए तैयार हैं और बुहाई कर भी दी हैं बहुत सारे किसानों ने, तो और बहुत सारे किसान माल लेकर की पहुंच रहे हैं। तो ऊँटी लहसुन की बुआई अगस्त महीने में भी की जाती है और सितंबर फर्स्ट सप्ताह तक की जाती है, तो काफ़ी संख्या में किसान भाई ऊँटी लहसुन का बिजवारा महंगे भाव पर खरीद कर बुआई भी कर रहे हैं। तो दूसरी बात है कि जो विदेश में भी निर्यात की बात करते हैं, तो लहसुन में जो निर्यात है वो पिछले साल लहसुन का निर्यात अपने भारत से हुआ था और मिस्र भी गया था, बांग्लादेश भी गया था और एक दो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अपने देश का माल पिछले साल बंदरगाह से निर्यात किया गया था। इस वर्ष क्या हुआ, लॉकडाउन लागू होने के बाद अपने भारत का लहसुन अभी तक किसी प्रकार की कोई निर्यात की स्थिति अभी नहीं बनी है और गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है कि लहसुन का निर्यात किया जाए, क्योंकि इसमें लहसुन के जो भाव हैं वो अभी भारत भर की जो मंडियां हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति है। स्थिति के कारण गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अगर इस स्थिति में भी अगर लहसुन को निर्यात किया जाता है तो लहसुन के भाव काफ़ी ऊँचे आसमान छू सकते हैं, तो इसलिए लहसुन का निर्यात अभी सरकार ने किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। लेकिन जो इसमें ये स्थिति है कि जो पहले अगर कुछ लॉकडाउन से पहले एग्रीमेंट होते हैं इसमें एक जो गवर्नमेंट और अन्य गवर्नमेंट के बीच में, उस स्थिति को साफ करने के लिए अगर जो कंट्री के साथ अन्य कंट्रियाँ हैं, बांग्लादेश या मिस्र हैं, इंडोनेशिया हैं और 3-4 जो कंट्री और हैं उनके साथ जो भी भारत का पहले एग्रीमेंट हुआ है और भारत से जो वार्तालाप हुई हैं, अगर वह उस स्थिति में पहुंचते हैं किसान भाइयों, तो वो देश अगर अपने इंडिया से डिमांड करते हैं कि भाई हमें इंडियन गार्लिक की आवश्यकता है और हमें इंडियन गार्लिक आप उपलब्ध कराएं, तो उस स्थिति में जो
इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं, वो उन देशों में गार्लिक सप्लाई के लिए गवर्नमेंट से वार्तालाप कर सकते हैं और गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त कर, गवर्नमेंट अगर निर्यात की अनुमति देती हैं तो उस आधार पर विदेशों में लहसुन सप्लाई किया जा सकता है। तो उस स्थिति में अगर यदि इंडिया का लहसुन विदेशों में सप्लाई किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है कि किसान भाइयों, लहसुन के भाव काफ़ी ऊँचे दाम तक पहुँच सकते हैं, जिससे कि काफ़ी किसानों को इसका फ़ायदा भी होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी तो लहसुन के भाव उच्च स्थिति तक जाएंगे। और अभी की जो रिपोर्ट है, हाल के जो विश्लेषण देख लेते हैं तो किसान भाइयों, अभी जो हाल की जो स्थिति बनी वो बहुत ही बढ़िया है। अगर बेस्ट क्वालिटी का बहुत ही बढ़िया माल था तो वो देसी लहसुन लगभग 15,000 तक भी मंदसौर मंडी में बिका है, और अन्य जो मंडियाँ हैं वहाँ 12,000 से 13,000 रुपये तक लगभग बड़े बेस्ट क्वालिटी का माल है तो वो बिक रहा है, और मीडियम रेंज का जो माल है वो 7,000 लगा करके 11,000 तक बीच में बिक रहा है। तो बहुत ही अच्छी अभी स्थिति है लहसुन की, वैसे इतनी ख़राब नहीं है, और आना वाला भी काफ़ी समय पड़ा है, 4-5 महीने नया लहसुन आने में भी काफ़ी समय लगेगा, जिसके कारण आने वाले दिनों में और भी आपको तेज़ी लहसुन में देखने को मिलेगी और काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये थी भारत भर की पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी लहसुन के काफ़ी भाव में अच्छा इजाफा हो रहा है, और जो किसान भाइयों, हमारा तो यही निवेदन है कि अब हम आपको स्थिति ये भी बताते हैं कि आप लहसुन किस प्रकार से बेचें। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक हैं तो आपको जैसे ही मंडियों में तेज़ी दिखती है तो आप तेज़ी में माल निकालने की कोशिश करें, और उस समय रुके नहीं, क्योंकि तेज़ी जो बनती हैं वो समान समय कुछ समय के लिए बनती हैं, फिर उसी स्थिति पे स्टॉप हो जाता है। बढ़ते क्रम में भाव जो चलते हैं वो 5 या 7 दिन तक चलते हैं, उसके बाद वापस वो उस सामान्य स्थिति में रुक जाते हैं और वहीं स्टॉप हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा डाउन होकर के वापस 15-20 दिन से लगातार थोड़ी स्थिति में डाउन 1,000-1,500 रुपये करके उसी स्थिति में वो चलते रहते हैं। तो जब तेज़ी बनती है तो तेज़ी 8-10 दिन या 15 दिन के लिए बनती है, उस तेज़ी में आप अपना माल ज़रूर निकालते रहिए, जिससे कि आपको पूरा पूरा फ़ायदा होता रहे। दूसरी बात ये कि जो अभी लहसुन के जो भाव हैं वो अब कितना लहसुन, और दूसरी बात कि किसानों के पास बचा हुआ होगा, तो अभी तो काफ़ी लहसुन है, किसानों ने पिछले साल भी लहसुन काफ़ी रोक के रखा था, लास्ट समय तक जब नया लहसुन आ गया था उस समय भी काफ़ी किसान पुराना लहसुन लेकर के आ रहे थे, और काफ़ी संख्या बहुत ही मात्रा में लहसुन बचा के पिछले साल रखा हुआ था, उसकी वजह से लास्ट में अंतिम समय में जो भाव हैं वो थोड़े डाउन हो गए थे और मंडियाँ खचाखच भरने लगी थी। तो आप आवक को समान बनाए रखें, ऐसा नहीं करें कि आप मंडियाँ खचाखच भर दें, कुछ टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए मंडियों में भर मार आ जाती हैं, फिर उसके बाद वापस मंडियों में 5-7 दिन के लिए कुछ माल नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति नहीं बने, लगभग समान स्थिति में एवरेज माल जितना आता रहता है मंडियों में उस हिसाब से एवरेज माल अगर पहुंचता रहता है तो ऐसी कैसी तेज़ी बनी रहेगी और इसी प्रकार से भाव आपको मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये तो हमारा था पूरा विश्लेषण भारत भर की मंडियों का। इसके साथ ही गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात की जो गोंडल मंडी है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी संख्या में लहसुन पहुँच रहे हैं, और गुजरात के जो स्टॉकिट व्यापारी हैं वो भी अब इसी स्थिति में, इतनी जो भयंकर स्थिति है और भाव में तेज़ी है, फिर भी कुछ माल खरीद करके वो भी ले जा रहे हैं। इसके साथ जिन किसानों के पास जो बिजवारे का माल नहीं है तो वो किसान अभी से बिजवारे का माल क्रय करने लगे हैं, जिसके कारण जो मोटा माल होता है, बीज का माल होता है,
और बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, ठोस वजन वाला माल होता है, उसमें अभी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि बीज के लिए बहुत सारे किसान इस प्रकार का माल खरीद कर ले जा रहे हैं। तीसरी बात है किसान भाइयों, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम बरसात हुई है और अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में सूखे क्षेत्र हैं। अभी तक बरसात अगस्त का, आज 9 अगस्त हो चुका है, फिर भी बहुत ही कम बरसात अन्य क्षेत्रों में देखने को मिली है। जिन क्षेत्रों में कम बरसात हुई है किसान भाइयों, उन क्षेत्रों में लगभग सभी किसान भाइयों ने अपने खेत तैयार करके ऊँटी लहसुन की बुआई बहुत ही बड़े स्तर पर चालू कर दिए। तो ऐसी स्थिति अधिकतर अपने मंदसौर, देवास, इंदौर उस साइड ज़्यादा, और दूसरी जो नीमच का भी है, जावत क्षेत्र हैं या ऊपर अन्य सिंगोली और झालावाड़ क्षेत्र जो हैं, उधर ऊँटी लहसुन की बुआई अभी तेज प्रगति पर हैं और यह बिजवारा अभी तमिलनाडु से खरीद करके किसान भाई लेकर के आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति अभी लहसुन की बुआई बंपर हो रही है और जो लहसुन, जो ऊँटी लहसुन का जो बिजवारा हैं वो आपको सभी जगह, लगभग हर जगह दलौदा से प्राप्त हो रहा है और उसका भाव भी काफ़ी ऊंचा है। और ये स्थिति अब किसान भाइयों, इसके अलावा भी जो चीन की बात करें तो चीन का लहसुन और चीन का जो लहसुन है उनको भी काफ़ी अच्छा इस वर्ष मुनाफा मिल रहा है और चीन का लहसुन बराबर विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति है कि भाई चीन और अमेरिका के बीच काफ़ी टकराव है, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका का, चीन का जो लहसुन है वो अमेरिका में काफ़ी मात्रा में पहुंच रहा है। अगर चीन के पूरे लहसुन पर बैंड लग जाता तो फिर भारत की स्थिति कुछ अलग ही होती, और चीन अगर अन्य देशों में लहसुन का नहीं खरीदता है, अगर चीन का लहसुन अन्य कंट्रीज, तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और चीन का लहसुन विदेशों में पहुंच रहा है बराबर मात्रा में। इसके कारण भी भारत के लहसुन की डिमांड विदेशों में नहीं हो पाई है क्योंकि चीन लगातार सप्लाई कर रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो मेन चीज़ है कि लहसुन का जो स्टॉक है वो आपको सावधानी पूर्वक ठंडी जगह पर करना चाहिए जिससे कि लहसुन ख़राब नहीं होए। और अभी जो बरसात होने लगी हैं तो अभी मौसम काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, अभी भी गर्मी तो है लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में बरसात हुई है तो उधर थोड़ा ठंडा हुआ है, जिसके कारण लहसुन में थोड़ी नमी आती है और नमी के कारण लहसुन का वज़न जो कि गर्मियों में 4 से 5 किलो प्रति क्विंटल पे कम हो जाता है, वह लहसुन का वज़न वापस जो बरसात होती है या ठंड का मौसम आ जाता है, सीलन आ जाती है, तो उसमें वापस सीलन के कारण 4 से 5 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में जो लहसुन का वज़न अभी बढ़ गया है और अगर ज़्यादा बरसात होती है तो लहसुन ख़राब होने की संभावना भी रहती है क्योंकि काफ़ी, अगर ज़्यादा बरसात होगी तो सीलन ज़्यादा आएगी और जिससे बरसात में लहसुन ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ ही जो लहसुन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है किसान भाइयों, राजस्थान और इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश में भी लहसुन का उत्पादन अच्छा खासा होता है, वहाँ पर भी लहसुन के काफ़ी बुआई की जाती है। और शिमला है और ऊटी हैं, इन क्षेत्रों में जो लहसुन है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लहसुन उत्पादन होता है। शिमला में इस वर्ष काफ़ी किसानों ने खेती की है लहसुन की और उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला है। और सोलन मंडी में शुरू शुरू में जो तमिलनाडु का लहसुन नहीं आया था, उससे पहले जो सोलन मंडी से सारा ही लहसुन तमिलनाडु और दक्षिण भारत के केरल और ओडिशा में पहुंच रहा था, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो सोलन मंडी का लहसुन था खरीद करके वहाँ पर
विक्रय के लिए लेकर गए थे और सोलल मंडी के जो वहाँ पर जो किसान भाई थे वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने बताया कि भाई बहुत ही अच्छा उनको उससे मुनाफा हुआ है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, अब अंत में मैं आपको वीडियो के एक विशेष स्थिति बता देता हूँ पूरा विश्लेषण के साथ, कि जो लहसुन है किसान भाइयों, इस वर्ष बहुत कम बचा हुआ है और समय बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है। किसानों के पास लहसुन तो हैं लेकिन वो चला सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं कि जो अभी जो सामान्य स्थिति है इस स्थिति में ला लेकर के आते हैं तो वो 4 महीने दिसंबर जनवरी तक माल अपना लेकर आते हैं, इतना माल किसान भाइयों के पास हैं। तो जो जो सामान्य स्थिति में अगर आप लहसुन लेकर के आते रहेंगे तो आपको अच्छा भाव मिलता रहेगा, और बीच में अगर आप रुक गए या लॉकडाउन लग गया या कम स्थिति बनी तो आपके भाव उसी स्थिति में रुक जाएंगे। अगर मंडियां बंद हो जाती हैं तो उसी स्थिति में रहेंगी। तीसरी बात है कि अगर ज़्यादा लहसुन निकल जाता है अगस्त अगस्त महीने में और सितंबर महीने में, तो अक्टूबर महीने में आपको बम्पर तेज़ी वापस देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर महीने में कहीं से कोई नया माल आने की संभावना नहीं है और विदेशों से भी आयात करने की इस वर्ष कोई संभावना नहीं मिल रही है। तो जो अक्टूबर महीना होगा वो लहसुन के लिए विशेष होगा और पूरा विशेष रूप से उस पर फोकस होगा, और अक्टूबर महीने में आपको लहसुन के भाव 20,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरी संभावनाएं बन रही हैं किसान भाइयों। अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर में भी आपको एक दो बार तेजी बीच में देखने को मिलने की, लेकिन उतना डाउन अप जाने की कोई स्थिति नहीं बन रही है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति लहसुन के डाउन जाने की स्थिति नहीं बनेगी। अगर जो भाव हैं वो भाव एवरेज भाव में चलते रहेंगे और इसी प्रकार से लहसुन की अगर खपत आगे होती रही तो किसान भाइयों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता रहेगा, और आप लगातार इसी स्थिति में जिस स्थिति में माल निकाल रहे हो थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में आप निकालते रहिए, ज़्यादा मंडियों में खचाखच नहीं भरें। अगर आप जैसे ही मंडियां खचाखच भर दी तो आपका भाव वापस आपको नीचे व्यापारी बंधु नीचे गिरा देंगे, और आपका जो 2000 की अभी जो तेज़ी बन रही है वो 2000 की तेज़ी आपको वापस नीचे जाते हुए दिखाई देगी। तो आप ऐसी स्थिति बनने के लिए आप मंडियों को इस स्थिति पर नहीं लेकर आएँ, और अपने समान जो रूप हैं जिस प्रकार से आप लेकर के माल एक स्थिति में लेकर आते हैं उसी स्थिति में लेकर के आते रहें तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। तो ये था किसान भाइयों पूरे भारत भर की विभिन्न सभी मंडियों का पूरा पूरा विश्लेषण, और भारत में किस प्रकार से लहसुन के पिछले साल और इस साल की पूरी तुलना भी हमने की है, और साथ में हमने ये भी बताया है कि भाई आने वाले दिनों में कितना भाव बढ़ेगा और कितना कौन से महीने में आपको मुनाफा ज़्यादा है और आप किस प्रकार से लहसुन को मंडियों तक लेकर पहुँचें। तो ये भी पूरी रिपोर्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम आपको किसी भी प्रकार की किसी भी स्थिति में कोरोना वायरस कितना भी चल रहा है लेकिन किसान भाइयों हम आपके लिए उस मंडी में पहुंच रहे हैं, मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं या हमारी जैसी भी सुविधाएं हैं उसके अनुसार पहुंच रहे हैं, फिर भी हम काफ़ी किसान भाइयों से मिलते हैं। तो हम भी जो खतरा लेकर के इस प्रकार से आपके लिए जो मंडी में जा रहे हैं तो उस खतरे को लेकर के आप कृपया गलत कमेंट्स नहीं करें, और इन सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं मेरे अकेले की नहीं कहता हूं, जितने भी आपके यूट्यूबर्स चाहती हैं वो आपको घर बैठे इस प्रकार का भाव उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप उनको उत्साहवर्धन कीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए, आप उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए ताकि आपको वो अन्य मंडियों के जितने भी भारत की मंडियाँ हैं उसमें भी घूमने लायक हो जाएं और उधर भी जा सकें और किसी भी मंडी में जाकर के आपको भाव उपलब्ध करा सकें। तो इसके लिए आपको उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इतना कोरोना वायरस और जान खतरे में लेकर के इधर उधर दौड़ भाग करना, अपना समय व्यर्थ गंवाना और घर के कामकाज को छोड़ कर के मंडी की तरफ निकल जाना, ये सब चीज़ें वो सब आप ही किसान भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उनके लिए भी प्रोत्साहन कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए और कुछ तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए किसान भाइयों, ताकि जिससे कि अगर आप उनका सम्मान करते हैं और अगर अच्छी स्थिति बनती है तो वो आपको
बहुत ही अच्छे से गाइड्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको सभी मंडियों के भाव उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगी। तो मेरा तो इतना ही मानना है। इसके साथ ही आपने जो हमारा वीडियो पूरा पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।